मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ। ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। अब हम खेल को आगे बढ़ाते हैं। हमारे 10 नए खिलाड़ी आप यहाँ पर मौजूद हैं, इनका मैं परिचय दूँ। तालियां बज जाए इनके लिए। तो सबसे पहले स्वागत कीजिए, राजकोट गुजरात से आए हैं मीत सुधीर भाई जोशी जी का। ये है गोपालगंज बिहार से, ये स्मृति गिरी जी हैं। अम्बाला हरियाणा से है जगमोहन सिंह जी। गोंडल गुजरात से पम्बी हिरेन्द्र भाई लाठीकारा। नंदुरबार महाराष्ट्र से हैं दिलीप मोहन सिंह जी। रामगढ़ बिहार से आ गए हैं रंजीत कुमार सिंह जी। सांगली महाराष्ट्र से आए हैं तहसीन रियाज बेग। दिल्ली से हैं सुमित कुमार जी। नागरी झारखंड से हैं इंदू कुमारी जी। और अतमय तिरोड़ा महाराष्ट्र से लोकेश चौरावर। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और एक बार फिर बहुत जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। तो हमारे जितने भी 10 नए खिलाड़ी हैं उनका परिचय हमने दे दिया। अब आपके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। अब आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तैयार हो जाइए। और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शतरंज में इनकी संख्या के अनुसार इनको अधिकतम से सबसे कम तक के क्रम में लगाए। Arrange the following in the decreasing order of their number on a chessboard. Okay? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A घोड़े, B राजा, C स्क्वायर या D प्यादे। Knights, B kings, C squares या D pawns. समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सी स्क्वायर होते हैं 64, 64 स्क्वायर्स। फिर आता है डी प्यादे, ये 16 होते हैं, 16। फिर आता है एक घोड़े, ये 4 घोड़े होते हैं शतरंज में। और अंत में है बी राजा, 2 राजा। ये है सही जवाब, सी डी ए बी। अब इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल एक दिलीप मोहन सिंह नहीं। क्या बात है भाई साहब, आइए फिर आइए। बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब आपको। और जिस तरह से वहां से उठ के आए ना, ऐसे करके ऐसा लगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि आप जीत गए। सर क्या करें, विश्वास नाम की चीज आज तो सर गड़बड़ा गई सब। अच्छा, सब घबरा गए थे क्योंकि कभी भी इस चीज का सपना भी देखा नहीं था। जी। और आज यहाँ आ गए सर। और सर ये जो यहाँ है ना एक हार्ट, हाँ सर, ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी एक है सर। ये दोनों जो है ना हमको दे दीजिए सर। आपकी जितनी घबराहट है आप हमको दे दीजिए। अभी हमने कहा था ना, हाँ। हम घबराएंगे आपके लिए, आप निश्चिंत होकर के खेलिए। नहीं, आपकी टाइमिंग जो थी वो 10.65 सेकेंड्स। बहुत बहुत बधाई। और आप अकेले थे जो विजयी हुए, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ताली बज जाए इनके लिए। ऑलराइट दिलीप मोहन जी, आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? जी मेरी वाइफ है अश्विनी जी, पत्नी जी आई हैं। प्रणाम करता हूं आपको। और ताली बज जाए इनके लिए, स्वागत है आपका। ऑलराइट, तो जो रूल्स है ना खेल के वो तो आपको पता ही है। ताली बज जाए इसके लिए, धन्यवाद। और आज चलिए शुरू करते हैं लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मान्यवर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मांझा शब्द जो है इनमें से किससे संबंधित है? द वर्ड मांझा इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द ए काइट्स यानी पतंग, बी पेपर प्लेन, सी मार्बल्स या डी गिल्ली डंडा। पतंग, कागजी जहाज, कंचे या गिल्ली डंडा। इसका सही जवाब हो सकता है पतंग। ए पतंग को लॉक कीजिए। ए पतंग के ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे चलते हैं दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए। तैयार है जी दिलीप मोहन जी? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस व्यंजन में मुख्य रूप से एक प्रकार का ब्रेड और आलू होता है? द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ व्हिच ऑफ दीज इंक्लूड अ टाइप ऑफ ब्रेड एंड पोटैटोस। ऑप्शन सुनिए। ए जलेबी, बी वड़ा पाव, सी पुलाव, डी रवा इडली। जी एक इसमें वड़ा पाव में ही ये दोनों का प्रयोग होता है, तो प्लीज़ लॉक ऑप्शन बी वड़ा पाव। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और वड़ा पाव जो है ये ज़बरदस्त भोजन है सर, यानी महाराष्ट्र में तो सर पूरा जीवन काट जाए इसको वड़ा पाव खाते खाते, विशेषतः मुंबई में। हाँ, खास तौर से मुंबई में। और आपको बता दें भाई साहब, ये जो वड़ा पाव है ना, ये केवल मुंबई में नहीं, ये विश्व भर में जो है ये एकदम प्रचलित है। एक बार हम शूटिंग करने गए अभी कुछ साल पहले, बल्गेरिया, यूरोप में बल्गेरिया जगह, सर उधर हमने देखा वड़ा पाव ही मिल रहा है बल्गेरिया में। हमने कहा यार ये कौन है, तो उन्होंने हमको अपनी भाषा में बताया कि बहुत स्वादिष्ट है सर, बहुत पॉपुलर है यार। हमने कहा बनता किधर है, बोले यहाँ एक देसी है वो बनाता है वड़ा पाव, और खूब चाव से खाते हैं सर जितने भी वो गोरे लोग थे, वो बड़ा पाव खा रहे हैं। ओके, और एट मान्यवर तीसरा प्रश्न आ रहा है, 3000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको दिलीप भाई। आपके सामने ये रहा अगला प्रश्न। एक डॉक्टर आमतौर पर अपने काम में इनमें से किसका उपयोग नहीं करता है? ओके, डॉक्टर जनरली डज नॉट यूज विच ऑफ दीज फॉर हिज वर्क। ए सिरिंज, बी स्टेथोस्कोप, सी स्पैनर या डी थर्मोमीटर। सुई, स्टेथोस्कोप, पाना या थर्मोमीटर। सुई होती है, स्टेथोस्कोप भी होता है, थर्मोमीटर भी होता है। 100% वो पाना का यूज़ नहीं करते क्योंकि पाना गाड़ी में काम आता है, गैरेज में। तो प्लीज़ लॉक ऑप्शन सी पाना। सी पाना पे ताला लगा दिया जाए। सही जवाब दिया आपने और आप जीत गए 3000 रुपये। पाना जो है ये मैकेनिक वगैरह जो है, जो गैरेज वगैरह में काम करते हैं, उनके पास होता है। ऑलराइट, ओके, आगे चलते हैं भाई साहब। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए इससे मिले। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान पथक द्वारा ढोल के साथ कौन सा वाद्य यंत्र व्यापक रूप से बजाया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज वाइडली प्लेड अलॉन्ग विथ ढोल बाय पथक्स ड्यूरिंग द गणेश विसर्जन प्रोसेशन? और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने। ए बांसुरी, बी डफली, सी तंबूरा या डी ताशा। बांसुरी नहीं है, तंबूरा नहीं है, डफली भी नहीं हो सकती जी, मुझे ताशा लग रहा है, तो डी ताशा को लॉक करना चाहूँगा। डी ताशा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चार प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 5000 रुपए जीत गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं खेल में भाई साहब। आ गया है छठा प्रश्न आपके लिए, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। तैयार हैं दिलीप मोहन जी? अगला प्रश्न ये रहा आपके पास। नंदुरबार जिले का गठन महाराष्ट्र के किस जिले के विभाजन के बाद किया गया था? द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नंदुरबार वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ विच ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र? ऑप्शन सुनिए। ए कोल्हापुर, बी धुले, सी नासिक या डी लातूर। कोल्हापुर, धुले, नासिक या लातूर। जी मैं उसी जिले का हूं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धुले को लॉक कीजिए। बी धुले पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। सही जवाब दिया आपने, बधाई, वाह। धुले के विभाजन के बाद 1 जुलाई 1998 को 1998 को नंदुरबार को एक नए जिले के रूप में उसको बनाया गया था। बहुत सुंदर उत्तर हुआ आपका। अब आएगा अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 40,000। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। माया ने इंद्रप्रस्थ में किसके लिए एक महल बनाया था? For whom did Maya build a palace at Indraprasth? ऑप्शन सुनिए। ए पांडव, बी सुग्रीव, सी रावण या डी भगवान राम या लॉर्ड राम। माया ने। जी मुझे इसका जवाब नहीं पता, मैं अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल करूंगा। ओके, शांत हो जाइए बादुमती जी। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं जन्नत जी। इसको पहले तो अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और दिलीप मोहन जी को सही उत्तर दीजिए। प्रश्न यह है कि माया ने इंद्रप्रस्थ में किसके लिए एक महल बनाया था? ए पांडव, बी सुग्रीव, सी रावण या डी भगवान राम। और आपका समय शुरू होता है अब। पांडव को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 89% दिया है उनको। अब आप क्या करना चाहेंगे? जी, मैं ए पांडव को लॉक करके ऑडियंस के साथ जाना चाहता हूं। ए पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, द राइट आंसर। थैंक यू। माया ने कई इल्यूशंस के साथ एक सुंदर महल बनाया था और ऐसी एक घटना में दुर्योधन ठोस फर्श की तरह दिखने वाले पानी के एक तालाब में वो गिर गया। मान्यवर, आपकी एक लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। और अब आएगा आपके सामने आठवां प्रश्न। मूल्य है इसका 80,000 रुपये। आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्पिन के सरदार के नाम से प्रसिद्ध किस क्रिकेटर का अक्टूबर 2023 में निधन हो गया? विच क्रिकेटर नोन एज द सरदार ऑफ स्पिन पास्ट अवे इन अक्टूबर 2023? ऑप्शन सुनिए। ए बाबू नदकर्णी, बी रूसी सुरती, सी बिशन सिंह बेड़ी, डी सुभाष गुप्ते। जी प्लीज लॉक ऑप्शन सी, बिशन सिंह बेड़ी जी। सी पे थोड़ा लगा जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। थोड़ा बहुत ही विख्यात जी, बाएं हाथ से बॉलिंग करते थे, बहुत स्पष्ट बोलने वाले इंसान, जो मन के अंदर आए वो बोल देते थे और मजाकिया भी थे वो। कई बार उनकी कॉमेडी भी चलती थी और बहुत ही हंसमुख मिजाज उनका। जी ओके, आगे चलते हैं। अब आएगा नवा प्रश्न आपके सामने। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपये। दो लाइफलाइन अभी भी जीवित है आपकी। 1,60,000 रुपये। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मारियो पुत्सो ने इनमें से किस ऑस्कर विजेता फिल्म की पटकथा लिखी थी? मारियो पुत्सो wrote the screenplay for which of these Oscar-winning films? A. Platoon, B. The King's Speech, C. The Last Emperor, D. The Godfather. मैंने ये पुस्तक पढ़ी है मराठी में और मुझे इसका जवाब पता है, डी द गॉडफादर। तो प्लीज लॉक कीजिए डी द गॉडफादर को। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। सही जवाब दिया आपने भाई साहब, वाह। अब आ गया है आपके सामने 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव जी। 3,20,000 रुपए। और यहाँ पर हम सबको चेतावनी देते हैं कि यहाँ चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है आपको दोबारा नहीं मिलेगा। दिलीप मोहन जी, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के इन पूर्व प्रधानमंत्रियों में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं? Which of these former prime ministers of India also served as the chief minister of Uttar Pradesh? ऑप्शन सुनिए। ए श्री वीपी सिंह, बी श्री राजीव गांधी, सी श्री लाल बहादुर शास्त्री, डी श्री HD देवेगौड़ा। HD देवेगौड़ा नहीं हो सकते, राजीव गांधी सीधे PM बने थे और शास्त्री जी भी PM ही बने थे, तो वीपी सिंह जी मुझे लग रहे हैं जी। प्लीज लॉक ऑप्शन ए श्री वीपी सिंह जी। श्री वीपी सिंह, ए पे ताला लगाया जाए। जीत गए मान्यवर आप, बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 रुपए जीत गए आप। श्री वीपी सिंह 1980 से लेकर 1982 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 1989 में भारत के प्रधानमंत्री बने वो। बहुत बहुत बधाई आपको। और ये चेक आ गया है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। ताली बज जाए इनके लिए। ये देखिए 3,20,000 रुपए का चेक। और ये जो घोषणा है ये है सुपर संदूक की। ये बदलाव की घड़ी जो है जो चल रही है देश भर में, उसकी एक सूचना है जहां पर आपके सामने देखिए सीमित समय में 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न आएंगे, एक एक करके बहुत जल्दी बोले जाएंगे, उनका आपको उत्तर देते जाना है। प्रश्न आपके लिए मैं हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? जी हिंदी में। हिंदी में। और भाई साहब तैयार हो जाइए, देवियों संजो समय आ गया है सुपर संदूक का। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। दिलीप मोहन जी आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। नथ शरीर के किस अंग पर पहने जाने वाली वस्तु है? कलाई। नाक। बिल्कुल सही। मिग 21 किस प्रकार का वाहन है? विमान। विमान करेक्ट। नेक्स्ट 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में कौन सी टीम अंतिम स्थान पर रही? नीदरलैंड। नीदरलैंड करेक्ट, बिल्कुल सही। आगे इनमें से क्या एक कीट बनाता है? कपास, केसर, हींग, शहद। शहद करेक्ट। नेक्स्ट पूर्वी और पश्चिमी घाट क्या है? झरने, पर्वत श्रृंखलाएं। हाँ जी पर्वत श्रृंखलाएं, बिल्कुल सही। इनमें से किस में कूद जोड़ने से एक ओलंपिक खेल का नाम नहीं मिलेगा? भाला, लंबी, ऊंची। रॉन्ग। नेक्स्ट किस प्रकार के प्रदूषण को डेसिबल में मापा जा सकता है? प्रकाश, वायु, जल, ध्वनि करेक्ट। नेक्स्ट कीव किस देश की राजधानी है? कीव यूक्रेन। यूक्रेन करेक्ट। नेक्स्ट मुंडू कपड़ा इनमें से किससे संबंधित है? केरल, गुजरात, पंजाब। अजी पंजाब गलत। नेक्स्ट इनमें से क्या फूल गोभी जैसा दिखता है? ब्रोकोली, बिल्कुल सही। नेक्स्ट समय समाप्त हो गया भाई साहब। अच्छी बात यह है कि 8 प्रश्नों का सही उत्तर हुआ और 80,000 रुपए जीत गए आप। जहां गलत हो गए थे वो आपको बता दूं। प्रश्न था इनमें से किसमें कूद जोड़ने से ओलंपिक खेल का नाम नहीं मिलेगा, वो आपने कहा त्री। हाँ। वो गलत था, वो भाला। सिर्फ भाला के आगे कूद लगा नहीं तो भाला कैसे कूदेगा? मुंडू कपड़ा जो है इनमें से किसके साथ? ये केरल से है। केरल में जो एक लहंगे की तरह होता है ना, उसको मुंडू बोलते हैं और वहाँ का ट्रेडिशनल एक पहनावा होता है। अब आपको बता दें कि 80,000 रुपये आप जीत गए, जो कि 50 से ज़्यादा है। तो बैंक में डालें या लाइफलाइन को फिर से जीवित करेंगे? सर लाइफलाइन जीवित करेंगे। ओके जो हमारी एक गई है उसे। वाह, एक लाइफलाइन गई हुई थी ऑडियंस पोल की। मान्यवर कंप्यूटर महाशय इसको जीवित कर दिया जाए। धीरे धीरे प्रश्न जो है और भी कठिन होते जाएंगे। अभी आपने सुना होगा इससे पहले, और तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत ही सोच समझकर इनका उपयोग कीजिएगा। मान्यवर ऐसे पूछने में हमको थोड़ी सी अड़चन होती है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि ये 3,20,000 रुपए आपके लिए कितना महत्व रखते हैं? मेरे लिए सर ये रकम बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी इस मायने में है कि ये मेरी खुद की इनकम होगी, क्योंकि जो हम शॉप में काम करते हैं ना, वो मेरा कुछ नहीं है, जो है हम चारों भाइयों का है। अच्छा, ये मेरी पहली इनकम है, बहुत बड़ी इनकम है आपको भाई साहब। कभी सोचा है आपने कि क्या करेंगे आप जब आपके पास इतनी धनराशि आ जाएगी? सर मैं चाहता हूं कि मैं 7 करोड़ जीत जाऊं पूरा, क्योंकि इतनी बड़ी रकम मेरे लिए बहुत मायने होगी, बहुत सपने पूरे हो गए। पहले तो ये है कि मैं मेरी वाइफ को एक सोच के रखा है कि इनको विदेश घुमाना चाहता हूं, और विशेषतः पेरिस ले जाएंगे, वहाँ पर आईफेल टावर के सामने उनको साड़ी पहनाएंगे, बिंदी लगाएंगे, एक फ़ोटो खिंचाएंगे, जब कोई भी कहे उनको देख के इंडिया, ये हमारी पहचान है। वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। आपके मुंह में घी शक्कर, ये पूर्ण हो जाए, पत्नी जी को आप ले जाए आईफेल टावर। बहुत खूब दिलीप मोहन जी। ये जो अगला प्रश्न ये है 11वां प्रश्न, ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न माना जाता है, क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया दुर्भाग्यवश तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 3,20,000 रुपये आपने जीत लिए, ये निश्चित रूप से आज आप ले जाएंगे, लेकिन संभावना है कि आप और ऊपर भी जाएं जी। और उम्मीद करते हैं कि जो आपने सपना देखा है 7 करोड़ का डिग्री वाला जी, वो पूरा हो जाए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन पे ये रहा। इगोर स्टिमाच किस खेल में भारतीय राष्ट्रीय टीम के ये कोच हैं? द इंडियन नेशनल टीम इन विच स्पोर्ट इज कोच्ड बाय इगोर स्टिमाच? ऑप्शन सुनिए। ए कबड्डी, बी हॉकी, सी वॉलीबॉल, डी फुटबॉल। कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल या फुटबॉल? इगोर स्टिमाच किस खेल में भारतीय राष्ट्रीय टीम के कोच? कबड्डी के नहीं हो सकते, वॉलीबॉल भी नहीं हो सकता है, मुझे डाउट है या तो हॉकी में या फुटबॉल में, दो में कंफ्यूज हूँ। हॉकी का लुक तो रहा है लेकिन सर मैं लाइफलाइन लूँगा। लाइफलाइन? जी। तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर मैं एक बार फिर ऑडियंस के सहारे। ऑलराइट, ऑडियंस फॉर लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। प्रश्न यह है कि इगोर स्टिमाच किस खेल में भारतीय राष्ट्रीय टीम के कोच हैं? ए कबड्डी, बी हॉकी, सी वॉलीबॉल और इज डी फुटबॉल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डी को सबसे ज्यादा है, बी भी है और डी भी है। बी को मिला है 37 और डी को मिला है 41। क्या करना चाहेंगे सर? यहाँ पर मैं जो दोनों लग रहे हैं मुझे, बी और डी, सर मैं डबल डिप ले लूंगा। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं दिलीप मोहन जी। डबल डिप लाइफलाइन, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑनेवर कुछ चीजें बता दें, अब आप खेल क्विट नहीं कर सकते हैं। दो अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। जी बी हॉकी को लॉक करें। बी हॉकी पे ताला लगाया जाए। ये गलत हो गया। एक और अवसर मिलता है। दूसरा उत्तर बताइए। जी डी फुटबॉल को लॉक किया जाए। डी फुटबॉल पे ताला लगाया जाए। ये सही हो गया। थैंक यू ऑडियंस। थैंक यू। इगोर स्टिमाच 2019 से भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच रहे हैं। वे क्रोएशिया से हैं। जी स्टिमाच, इगोर स्टिमाच। देवी सजो, उन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। 6,40,000 रुपए जीत गए आप जी। और अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का, और एक लाइफलाइन अभी भी जीवित। जी अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजस्थान में किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को प्रचलित रूप से भारत की महान दीवार कहा जाता है? Which UNESCO World Heritage Site in Rajasthan is popularly described as the Great Wall of India? Options A. Ranthambore Fort, B. जैसलमेर फोर्ट, सी चित्तौड़गढ़ फोर्ट, डी कुंभलगढ़ फोर्ट। रणथोड़भौर किला, जैसलमेर किला, चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला। जी जैसलमेर लग तो रहा है लेकिन मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। मैं चाहूँगा कि मेरी जो तीसरी लाइफलाइन है उसका उपयोग करता हूँ। ओके तो तीसरी लाइफलाइन है इनकी, वीडियो कॉल और फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑलराइट, ये लाइफलाइन अंकित हो गई है। वीडियो कॉल और फ्रेंड है। आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे, ये रहे वो 3 नाम। संकेत पाटिल जी हैं, विजय धर्मणी जी हैं या धर्मानी जी हैं, निनाद शिम्पी जी। किनसे बात कीजिएगा? जी मैं संकेत पाटिल जी से बात करूंगा। संकेत पाटिल जी, ओके। कबीरा महाशय, संकेत पाटिल जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये परिवार से है या ये मेरा भांजा है सर जी। अच्छा भांजा है आपका, ओके। संकेत प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत मेरी प्लेस सर कि आपके साथ बात करने का अवसर मिला है सर मुझे। हमारे साथ मेरी प्लेस सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संकेत जी। लेकिन ये तो आपको इसका श्रेय जाना चाहिए दिलीप मोहन जी को, जो कि हमारे सामने विराजमान है। आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं ये, और इनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे आपको। उसके 4 ऑप्शन है, ABCD, और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। ठीक है संकेत जी? जी यस सर, ओके। तो अगली आवाज है दिलीप मोहन जी की। दिलीप जी, आपका समय शुरू होता है अब। राजस्थान के किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को प्रचलित रूप से भारत की महान दीवार कहा जाता है? भारत की महान दीवार, राजस्थान, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। ऑप्शन है रणथंबोर किला, जैसलमेर किला, चित्तौड़गढ़ किला या कुंभलगढ़ किला। राजस्थान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, भारत की महान दीवार, भारत की महान दीवार, राजस्थान, रणथंबोर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। मामा एवढी आयडिया नाही, पण रणथंबोर किंवा चित्तौड़गढ़ पैकी असू शकतो। पण 100% श्योर नाही मामा। समय समाप्त हो गया, सही उत्तर नहीं मिल पाया। या ऐसा उनको लगा कि शायद उनको उत्तर नहीं मालूम। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं। 6,40,000 आप जीत रहे हैं। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन अगर उत्तर गलत हो गया तो ये 6,40 से आप नीचे गिर जाएंगे 3,20 में। जी सर, मैं क्विट करूंगा, मुझे पता नहीं इसका जवाब। ये 6,40 आपके लिए काफी मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। अंतिम निर्णय आपका, क्विट करेंगे। अनुमति देते हैं आपको भाई साहब कि आप क्विट करें। 6,40 जीत रहे हैं, तालियां बज जाए इनके लिए। और ये धनराशि जो आपने जीती है डिजिटली आपके बैंक अकाउंट में डाल दी जाएगी। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और इसको ट्रांसफर दबाएंगे। 6,40 ये ओके कर दिया, कंफर्म किया। और यकीन मानिए ये 6,40 आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त पहुंच गया, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। तो जाने से पहले यहाँ से इसका सही उत्तर बताना पड़ेगा और किसी एक को गेस कर लीजिए। जी सर, बी जैसलमेर किला लग रहा था मुझे। बी जैसलमेर किले पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। गलत होता ये, अच्छा हुआ। सही उत्तर है कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट जो है ये राजस्थान के राजसमंद जिले में है। अपनी बहुत लंबी दीवार के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है जी। 36 किलोमीटर कुंभलगढ़ फोर्ट। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई हो आपको भाई साहब, 6,40,000 जीत गए ये। तैयार हो जाइए आप। ये एक मौका देखिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए बहुत सोच समझ करके उत्तर दीजिए। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा आपके सामने और प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन्स के ऊपर ये रहा। इन गीतों के बोल में मौजूद आभूषणों को सिर से पैर तक पहने जाने वाले क्रम में लगाएं। अरेंज द आइटम्स ऑफ ज्वेलरी इन द सॉन्ग लिरिक्स as they are worn from head to toe। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए झुमका गिरा रे, बी घुंघरू टूट गए, सी बोले चूड़ियां, डी सांसों की माला पे। सांसों की माला पे, ये है 4 गीत के बोल। समय समाप्त हो गया, आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए झुमका गिरा रे, झुमका पहना जाता है। फिर आता है डी सांसों की माला पे, माला होता है। फिर आता है सी बोले चूड़ियां, यहाँ कलाई में पहनी जाती है। फिर आता है बी घुंघरू टूट गए, पाँव में बांधा जाता है घुंघरू। ए डी सी बी, ये है सही उत्तर। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? लोकेश चौरावर जी को। वाह वाह, आइए भाई साहब बैठे लोग। .69 सेकंडों में आपने उत्तर दिया है। गुरु है आपके गुरु। देव मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं तिरोड़ा महाराज से लोकेश चौरावर जी, और बहुत बहुत बधाई आपको। कंपेनियन के रूप में आप अपने गुरु जी को लाए हैं, जिनसे हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। प्रणाम करता हूं आपको, एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। तो जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर, मैं एक प्राइमरी टीचर हूं और बच्चों को एक्टिविटी से साइंस पढ़ाता हूं। मैं सर एक गोंदिया जिला जो है वहां के एक छोटे से तिरोड़ा गांव से आता हूं। और सर मेरे स्कूल जो है शहीद मिश्रा विद्यालय तिरोड़ा, वो इस वर्ष 75 वर्ष की हुई है सर। उसके लिए प्लेटिनम जुबली है और मेरे लिए आपके सामने बैठना गोल्डन जुबली है। ये केबीसी का सौभाग्य है कि आप ऐसा सोचते हैं। आपकी विद्या, आपकी जिज्ञासा, जितना कुछ है आपके अंदर, उसका परिणाम है आज, जिसकी वजह से आज आप यहाँ हासिल पर आए। ओके जी, आपका ध्यान अब हम आकर्षित करेंगे खेल की ओर। रूल्स तो आपको पता ही हो, तो हम दोहराएंगे नहीं। हाँ सर, बहुत बहुत बधाई आपको। तो आइए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। लोकेश जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। हाँ और आपके गुरुजी की भी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न आ रहा आपके लिए, 1000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इस लोकप्रिय मराठी नाश्ते का नाम पूरा करें। कांदे डैश। कंप्लीट द नेम ऑफ दिस पॉपुलर महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट डिश कांदे डैश। ऑप्शन सुनिए। ए मोदक, बी पोहे, सी दही या डी चकली। सर मोदक तो मीठे होते हैं, उसमें प्याज नहीं डाली जाती, और दही भी नहीं हो सकता, चकली भी नहीं। सर ऑप्शन बी लॉक कीजिए, पोहे। बी पोहे पे कह रहे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया आप, बधाई। दूसरा प्रश्न आ रहा है, 2000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। 1979 की फिल्म गोलमाल के एक गाने के अनुसार आने वाला पल क्या करने वाला है? अकॉर्डिंग टू अ सॉन्ग फ्रॉम द 1979 मूवी गोलमाल, व्हाट विल एन आने वाला पल डू? ऑप्शन सुनिए। ए जाने वाला है, बी खाने वाला है, सी पाने वाला है या डी खोने वाला है। ना खाने वाला है, ना खोने वाला है, ना पाने वाला है, वो जाने वाला है। आप लॉक कीजिए ऑप्शन ए, जाने वाला है। ए जाने वाला पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसके गायक थे किशोर कुमार जी, और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन, और गीतकार गुलजार भाई साहब। ऑलराइट, संगीत वगैरह में आप दिलचस्पी रखते हैं? हाँ सर, मुझे संगीत पसंद है, और इसके अलावा मुझे डांस बहुत पसंद है सर। मैं जब हमारा 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, उसमें 400 बच्चों का करीबन डांस बैठाता हूँ सर, और 400 बच्चों को एक साथ ग्राउंड डांस करवाता हूँ, देशभक्ति के ऊपर, कुछ अलग अलग थीम्स के ऊपर, प्लास्टिक रोको वगैरह, ऐसे सामाजिक संदेश देते हुए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली चाहता तो सर मैं शेफ बनना चाहता था, क्योंकि खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, बट मैं टीचर बन गया। लेकिन मैं अपना अभी भी वो जो आइडिया है अभी छोड़ता नहीं, बच्चों को है कि नहीं, कभी भी न्यूट्रिशियस चीज़ बनाना क्लास में भी बताता हूँ, उसके अलावा डांस सिखाता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है सर, अपना जो प्रोफेशन है एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है, खाना भी बनाना सिखाते हैं आप, और नृत्य करना भी सिखाते हैं आप। ऑलराइट लोकेश जी, आ गया है तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए का प्रश्न ये है आपके सामने। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न। चित्र में दिखाए गए व्यक्ति कौन सा खेल खेल रहे हैं? विच स्पोर्ट इज द पर्सन शोन इन द इमेज प्लेइंग? इमेज दिखाई जाए। देख लिया? हाँ सर। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं, ये रहे विकल्प। ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी या डी आर्चरी। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या तीरंदाजी। सर सी हॉकी लॉक किया जाए। सी हॉकी पे कहना था लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। ये जो तस्वीर देखी आपने, हाँ सर, ये हॉकी के गोलकीपर, हाँ उनकी छवि है। हाँ सर, आगे चलते हैं भाई साहब। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक ऐसा पर्यावरण जहां ये चारों जानवर मौजूद हैं, इनमें से किसे एक शीर्ष शिकार करने वाला माना जाएगा? इन एन एनवायरनमेंट कंटेनिंग ऑल 4 ऑफ दीज एनिमल्स, विच वुड बी द एपेक्स प्रेडेटर? ऑप्शन सुनिए। ए बफलो, बी मंकी, सी डियर या डी लायन। भैंस, बंदर, हिरण या शेर। सर डी शेर लॉक किया जाए। डी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। 5000 रुपये जीत लिया आपने। एक एपेक्स प्रेडेटर का कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होता है, और वो अक्सर मांसाहारी होता है। ये जो प्रेडेटर होता है, बाघ, शार्क, चील, कुछ अन्य उदाहरण है शीर्ष प्रेडेटर, एपेक्स प्रेडेटर के रूप में। आ गया है पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न। मिलते हैं इसके लिए 10000 रुपये। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसके एक प्रकार के कारण हमारे ग्रह मंडल को सौर मंडल नाम दिया गया है। A type of which of these is responsible for naming our planetary system as the solar system? Okay? ऑप्शन सुनिए, ए स्टार, बी प्लैनेट, सी सैटेलाइट या डी कॉमेट। तारा, ग्रह, उपग्रह या धूमकेतु। सर लॉक कीजिए, ए तारा। ए तारा, तारा पे ताला लगाया जाए। जीत गए भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब है। 10,000 रुपए जीत गए, पहला पड़ाव पार हो गया है। सूर्य के लिए एक लैटिन शब्द से निकला है, जो शब्द था सोलिस। यस सर, लैटिन शब्द था सोलिस, और वहां से ये लिया गया है। हाँ सर, सौरमंडल। ऑलराइट, पहला पड़ाव पार हो गया। अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए। छठा प्रश्न आ रहा है, 20,000 रुपए इसके लिए होंगे। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पदार्थ का सब्लिमेशन होता है? Which of these substances undergoes sublimation? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, ए सैंड, बी शुगर, सी टर्मरिक, डी नेफ्थलीन। रेत, चीनी, हल्दी, नेफ्थलीन। सर ऑप्शन डी नेफ्थलीन लॉक किया जाए। डी नेफ्थलीन को कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई मान्यवर। सर सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। जी जी जी। जनरली देखा जाता है कि कोई भी चीज सॉलिड से पहले लिक्विड बनती है और लिक्विड से गैस बनती है, बट ये ऐसी चीज होती है सर कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है। जैसे हमारे घर में कपूर होता है और नेफ्थलीन यानी डामर गोली हम बोलते हैं जिसको, ये सर डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है और इसमें कोई भी बीच में लिक्विड होने का प्रोसेस नहीं होता, इसलिए उसको सब्लिमेशन कहा जाता है। वाह, ज्ञाननाथ जी को आपने पछाड़ दिया है। यही बोलने वाले थे वो आपको, लेकिन आपने स्वयं बोल दिया। बहुत बहुत बधाई आप। आगे चलते हैं खेल में। यह आ गया सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको और ये प्रश्न जो है उसी के आधार पर बना हुआ है। इनमें से किस राज्य की राजधानी का नाम अक्षर ज से शुरू होता है? द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ विच ऑफ दीज स्टेट्स स्टार्ट्स विद जे। ओके, एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको पहले और ये रही तस्वीर। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। ये चार स्टेट्स हैं। इनमें से किस राज्य की राजधानी का नाम अक्षर ज से शुरू होता है? पहले तो जो प्रांत हैं उनको पहचान लीजिए, उसके बाद अनुमान लगाइए। सर राजस्थान। चित्र विकल्प बी। इमेज ऑप्शन बी, क्या करें? लॉक किया जाए सर। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। इमेज ऑप्शन बी जो है वो राजस्थान प्रांत है और जिसका कैपिटल है जयपुर। ऑप्शन ए जो है वो केरल, तिरुवनंतपुरम। यस सर। ऑप्शन सी ओडिशा, भुवनेश्वर, और ऑप्शन डी महाराष्ट्र, मुंबई। यस सर। ओके, वेल डन सर। आठवां प्रश्न आएगा, इसके लिए मिलेंगे 80,000 रुपए आपको। आठवां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत सरकार की अपार किसको लक्षित एक पहचान प्रणाली है? The Government of India's APAR, APAAR framework is an identity system meant for whom? Option देखिए, A prisoners, B ICU patients, C students या D lawyers। A कैदी, B ICU रोगी, C छात्र। C students लॉक किया जाए। C पे ताला लगाएं। हाँ सर। C पे कहना ताला लगा दिया जाए। That well played is the right answer. बधाई, बधाई, बधाई। सर ये जो अपार आईडी है ये पूरे देश के बच्चों के लिए दी जा रही है। जी जी बिल्कुल। सभी बच्चों को एक यूनिक आइडेंटिटी इससे मिलने वाली है सर, उसके लिए अपार आईडी बनाई जा रही है। सर आपका नाम हम बदलना चाहते हैं। क्या सर? लोकेश जी के बजाय हम कहेंगे ज्ञाननाथ जी। जिनको इनको हमने नाम दिया है, सारी बातें जो इनके पास हैं वो आप बोल रहे हैं। अपार का मतलब होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, और बिल्कुल सही कहा आपने कि एक यूनिक कार्ड भी मिलेगा इसकी वजह से। ऑलराइट, नवा प्रश्न आएगा अब आपके सामने, इसके लिए मिलेंगे आपको 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए, नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खान अब्दुल गफार खान के खुदाई खिदमतगारों को उनके वस्त्र के कारण क्या नाम मिला था? What name did the खुदाई खिदमतगार्स of खान अब्दुल गफार खान get due to their attire? ऑप्शन सुनिए। A. रेड शर्ट्स, बी व्हाइट कैप्स, सी ब्लैक शूज, डी ग्रीन शॉर्ट्स। सुर्खपोश, सफेद टोपी, सियाह जूता या सब्ज पजामा। सर मैं इसमें श्योर तो नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफलाइन लेना चाहता हूँ। ऑडियंस शांत हो जाइए बादुमती जी, लाइफलाइन लेंगे लोकेश जी। तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। ऑडियंस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। प्रश्न थोड़ा कठिन है लेकिन प्रयत्न कीजिएगा। खान अब्दुल गफार खान के खुदाई खिदमतगारों को उनके वस्त्र के कारण क्या नाम मिला था? What name did the खुदाई खिदमतगार्स of खान अब्दुल गफार खान get due to their attire? A. red shirts, B. white caps, C. black shoes या D. green shorts। और आपका समय शुरू होता है अब। ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 63%। सर ऑडियंस के साथ जाएंगे सर? जाएंगे जाएंगे सर। बताइए क्या करें? ऑप्शन ए लॉक किया जाए, सुर्खपोश। ए रेड शर्ट्स पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। क्या बात है। खुदाई खिदमतगार शुरू में व्हाइट शर्ट पहनते थे, सफेद शर्ट पर व्हाइट शर्ट पहनते थे। हालांकि ये शर्ट्स जो थी कीचड़ और गंदगी में आसानी से गंदी हो जाती थी। उनमें से कुछ ने अपनी शर्ट को ईंट के लाल रंग में रंग लिया और खिदमतगारों को जल्द ही अपना लोकप्रिय नाम द रेड शर्ट्स या सुर्खपोश ये नाम मिला। रेड शर्ट, बिल्कुल सही। वाह क्या बात है। ऑडियंस बहुत ही गुणी ज्ञानी ऑडियंस। मान्यवर, आ गया है 10वां प्रश्न और एक चेतावनी। यस सर। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। यस सर। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। लोकेश ज्ञाननाथ जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने किस खेल प्रतियोगिता के 42वें संस्करण में 5 स्वर्ण पदक जीता था? इन द 42nd एडिशन ऑफ विच स्पोर्ट्स मीट डिड लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक विन 5 गोल्ड मेडल्स? ऑप्शन सुनिए। ए विंटर ओलंपिक्स, बी पैरालंपिक्स, सी मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स या डी वर्ल्ड मेडिसिन एंड हेल्थ गेम्स। शीतकालीन ओलंपिक, बी पैरालंपिक, सी सैन्य विश्व खेल, डी विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल। सर डी विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल को लॉक किया जाए। ऑप्शन डी पे ताला लगा जाए। यस इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 3,20,000 रुपए जीत लिए आपने और चेक आ गया आपके नाम। तालियां बजती रही देवी सर ने। 3,20,000 रुपए का चेक आपके नाम आ गया है। वर्ल्ड मेडिसिन एंड हेल्थ गेम्स या मेडी गेम्स कहते हैं इसे। yes. को हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए ओलंपिक खेल माना जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक एक आर्मी मेडिकल कोर अधिकारी हैं। नवंबर 2023 में आयोजित इस स्पोर्ट्स मीट में उन्होंने 800 मीटर्स, 1500 मीटर्स, 3000 मीटर्स, 5000 मीटर्स और क्रॉस कंट्री इवेंट्स इन्होंने जीते। ऑलराइट लोकेश जी, आज का समय यहीं समाप्त करना पड़ेगा, होटल बच गया है। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देंगे और ये जो आपने उपाधि प्राप्त की है और कई बच्चों को आपने शिक्षित किया है और ज्ञाननाथ जी की उपाधि, इसकी हम सराहना करते हैं बहुत। और इसी तरह आप जितनी भी बच्चे हैं आपके साथ जो काम कर रहे हैं और जो छोटे छोटे जगहों से हैं, उनको आप अपने तरीके से प्यार से और एक आसान तरीके से शिक्षित कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई, एक बार फिर तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं।